चलो मारो, करो मना। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौर। ये भी चढ़ गया। खाना खाते हुए जय सारा काम खत्म होने के बाद अब हम लोग मतलब हम शिवांशी और यशी आए हैं पूजा करने। तो मैं सिर्फ नारियल में कलावा लपेट के रख देती हूँ ऐसे ही, और लास्ट वाले दिन ये नारियल फोड़ देंगे। तो कलश वगैरह स्थापित नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत साफ़ सफाई और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो हो नहीं पाता क्योंकि छोटा बच्चा है। तो बार बार वॉशरूम और ये सब की वजह से साफ़ सफाई उतनी रह नहीं पाती है, बार बार आपको जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ ऐसे ही हम लोग करते हैं अभी फ़िलहाल। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर इस भगवान जी को चढ़ाओ। ये पकड़ो, भगवान जी को चढ़ाओ। इस हाथ से, राइट हैंड से, राइट हैंड से। अच्छो ये रख दिया, इधर आओ। अभी फूल चढ़ाना, ठीक है? दे चुप जाओ, अल्लाह नहीं करो, भगवान जी ऊपर चढ़ेगा ये, है ना? हाँ फिर बाद में चढ़ाना, फिर हम बनाएंगे, ठीक है? दीदी और आप चढ़ाना, ठीक है? हाँ हाँ ये दुर्गे मैया जी के ऊपर चढ़ जाएगा। ये भी चढ़ गया। क्या ये भी चढ़ाओगे? चढ़ाओ, रखो ऊपर, चढ़ा दो ऊपर, कुछ भी नहीं चढ़ा है। यहाँ चढ़ावा के खाने के लिए पूछिए वो बाबू बदमाश। अभी पूजा कर रहे हैं, ये देखो हमारी बदमाश, छोटी सी बदमाश। मैया
थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी छोड़ो। हाथ जोड़ो। ये सब सब उधर ही लगा दिए। जय जय करो शिव जय। मैं ना खाते हुए जय करो। रुको आरती। यहाँ पे दोनों बच्चे भी आज पूजा किए तो सुबह नहा भी लिए थे, अच्छे से तैयार हो गए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन दोनों को देख के। और बस पूजा संपन्न होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो मैं यहाँ दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ और उसके बाद में आरती करेंगे और बस पूजा समाप्त हो जाएगी हमारी। और उसके बाद में देखते हैं चाय वगैरह पिएंगे। हेलो हेलो बोलो। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। अच्छा तुम बोलो। हाय इंग्लिश। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज से नवरात्र स्टार्ट है, तो आज मेरा व्रत है। मैं पूरे नहीं रहती हूँ, मतलब पिछली बार तो नहीं रही थी क्योंकि शिवान से छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है रही थी कि नहीं। आई थिंक आधा दिन तक मैं रह पाई थी, उसके बाद मैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो बार बार आपको उनके काम करने पड़ते, तो फिर वो शुद्धता नहीं रहती, इसलिए शायद आधे दिन तक थे शाम तक, उसके बाद ख़त्म हो गया था मेरा। तो इस बार हूँ मैं। और शिवानसी भी नहा धो के बिल्कुल अपना पटियाला सूट पहन के पूजा करके आई, और बाकी हस्बैंड सुबह चले गए थे पूजा करके, ऑफिस था आज उनका। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत पुरानी साड़ी है, आई थिंक ये है 2012 की होगी। हाँ 2012 की साड़ी। कब तो चलिए किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं। बहुत ज़ोर से चाय भी प्यास लगी, मतलब चाय पीने का भी तलब है और पानी पीने का भी मन कर रहा है। ओ चलो मामू चलो।
लो गरम पानी है उसमें, बदमाशी नहीं करते ना। हाँ, ना। हाँ पापा का है वो। पापा ये मुंह में क्या मांग लिया आपने यहाँ पे? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कल ये खत्म करो फिर पॉपकॉर्न। मुंह में क्या मारा आपने? ये देखो यहाँ पे क्या चोट लग गई बेटा। पियो भी दूध। गुरटो अपना खाओ, वो मखाने खाओ रखे ना रखे अंदर अंदर रखे। और मीरा ने बैठी दिलवा दिया। अब खाना खा के ब्रश कौन करता है शिबू? वो है अपना वो बैठ जाओ ऊपर बैठो। ढक रखो उसमें कटोरी में। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने यशी को बोला था कि आटा गूंथो बोल के, क्योंकि व्रत था मेरा तो मैंने कहा चलो तुम आज कोशिश करो गूंथने का, देखो गूंथ पाते हो कि नहीं। तो वो आटा गूंथ ली थी कचौड़ी एक्चुअली में वो रात का रखा हुआ था स्टफिंग आलू का, तो मैंने कहा कचौड़ी बना लो। तो उसने आटा गूंथा तो इसने देख लिया कि वो दीदी काम करे तो इसको भी करना है खुद से। अभी ये क्या है रोटी बेलना है इसको, तो जिद कर रही थी मुझे बेलना है तो मैंने कहा चलो बेल लो। और बहुत खुश हो रही थी जब वो थोड़ा सा बेलने को चला रही थी, उसके ऊपर चला रही थी तो और ज़्यादा खुश हो रही थी, तो एक्साइटेड हो रही थी आप देख सकते हो उसके फेस पे। तो मैंने कहा चलो जिद्दी है ना तो जो करना है उसको करना ही है, तो मैंने कहा थोड़ी देर कर लेने दो इसको, अब देखो कब तक छोड़ती है ये चौकी बेलना। तो वही है तो इनका बदमाशी चालू है और बस उसके लिए कचौड़ी बनाऊंगी मैं। तो कचौड़ी उसको बहुत पसंद है, रात को बनाई थी मैं। तो गैस भी मतलब कच्चा खाना नहीं बनता है तो गैस भी वैसा नहीं होगा, तेल का रहेगा। तो मैं फिर पोस दूंगी उसको, क्लीन कर दूंगी तो बाद में चाय वगैरह बना सकते हैं उसमें आराम से। तो इनकी बनवासी चालू रहेगी अभी। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शिवानशी सो गई थी, उंगली डाल दी मुंह में, गंदी बात सीख रही है। निन्नी हो गई बाबू की? निन्ना हो गया? शिवानशी उठ गई, दूध पी चुकी। कम यहाँ इधर बैठवा के दिखाओ कहाँ चोट लग गई शिवू को। देखो शिवानशी को ना चोट लग गई, कहाँ लगी है चोट दिखाओ दिखाओ। ये देखो ये चोट लग गई है शिवू को, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी लगा दिखाओ। ओहो ओहो
ठीक हो जाएगा। यहाँ मम्मा के पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ। इसको क्या हो गया ना, ऐसे ही घाव मतलब सूख गया है, मच्छर का निशान, तो उसको बार बार अभी वो कम्प्लीटली गया नहीं है, तो उसको बार बार क्या करती है ना, नाखून से खोद देती है और बार बार वही दिखाती है, घाव, मम्मा चोट, दवाई लगाओ, नाटक चलता है इसका। तो चलो, फिर वेदर ख़राब हो गया बेंगलोर का, अभी फिर बादल आ गया, तो फिर मुझे जुकाम स्टार्ट हो गया, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो रहा है ना, चेंज चेंज। मम्मा, हाँ बेटा, क्या हुआ? अब हटा दे मम्मा, हटा दे, ला हटा दे, हटा दिया, देखो तो जुकाम हो गया फिर से, और आज फास्ट है, तो अभी तो शाम हो गई है, और हस्बैंड ऑफिस से आ गए, पूजा कर रहे हो, और उनको मैंने टिफ़िन में दिया था तो खा लिया उन्होंने, ड्राई फ्रूट्स वापस लेके आ गए, अभी खाएंगे, और अभी जा रहे हैं चाय बनाएंगे, तो पूजा कंप्लीट हो जाए फिर चाय बना के, और शिवांशी अपना दूध दूध पी के बैठी आराम से, सो लिए, 2-3 घंटे सो गई थी, और यशी चली गई खेलने, तो अभी 5:30 आई थी, 5:30 या 6:45 हो गया होगा, तो बस चाय बनाएंगे। हाँ, और बादाम फुला के रखा था, वो भी रखा हुआ है, तो अभी देखते हैं, वो थोड़ा खा लेंगे, और बस रात काटनी है, कल देखा जाएगा क्या हुआ। हाँ, और इन मैडम का ना नाटक बहुत चलता है, मतलब पता नहीं क्या चाहिए इनको, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोलो। बन गई हमारी ब्लैक टी, लेमन वाली, एक है विदाउट शुगर, एक है शुगर के साथ, तो मैं शुगर वाली पीती हूँ, उससे विदाउट शुगर नहीं पिया जाता, तो बस ब्लैक टी बनाई है, और बादाम है सोक किए हुए, और थोड़ा सा अंजीर वगैरह खा लेंगे वो, तो बस ये हो गया, और वो शाम रात को तो अब कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि मीठा तो खाते नहीं है वो, और फ्रूट्स भी नहीं खाएंगे, तो बस यही हो गया हमारा, चाय और बादाम, और मैं भी यही खा के सो जाऊँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा फैला पड़ा हुआ था, क्योंकि सो के उठने के बाद मैडम पूरा टॉय वगैरह फैला दिया था, क्योंकि जब तक शिवांशी सोती है तब तक मेरा घर बिल्कुल साफ रहता है, उठने के बाद पूरा तहस नहस, सारा टॉय इधर का उधर, सोफा पे क्या क्या रखा रहेगा पता नहीं, तो वो मैंने सारा क्लीन किया, और बस चाय बन गई थी, तो अब हस्बैंड और मैं बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी सी बातें करेंगे और टीवी देखेंगे, और बस हो गया मेरा आज का कंप्लीट काम, और यशी तो गई है नीचे खेलने, तो बोल के गई है कि वो पास्ता खाएगी आज, तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी आसान है, जल्दी से बन जाएगा, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ जल्दी जल्दी,
तो आज उसके मन का ही बना देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा अकेले पेट के लिए क्या बनाऊँ ऐसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज पास्ता खा लो, तो पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया मैंने, आएगी तब फिर वो उसको ही मैं बोलूँगी तो वो खुद से बना लेती है, सिखाऊँगी आज बनाना। तो बस चाय वगैरह पी के और उसके बाद मैं, किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि आज ज़्यादा खाना वैसा तो बना नहीं है, तो बिल्कुल साफ़ है किचन, थोड़ा सा बस कपड़ा मारना इधर उधर और थोड़े से बर्तन पड़े वो धो दूँगी, और बस दूध आना है तो दूध गर्म करके रख दूँगी, मेरा काम हो जाएगा कम्प्लीट। और उसके बाद में मॉर्निंग देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से डिसाइड करके सोऊंगी। और बस हो गया कंप्लीट, और यहाँ थोड़ी सी बातें बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो करो सबको, हेलो बोलो। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग था ये जो भी पूरे दिन का दिनचर्या था, क्योंकि आज खाना वाना तो बनाना नहीं था और मैं आज ऐसे ही व्रत रही हूँ, खाली चाय एक बार पिया था और अभी सेकेंड टाइम चाय पिया मैंने, और सुबह ही मखाने खाए थे, अभी कुछ नहीं खाया, अब तो खाऊंगी भी नहीं कुछ भी, किसी का मन नहीं है। यशी के लिए पास्ता बनाऊंगी, वो बोल के गई है पास्ता बनाने के लिए, मॉर्निंग में उसके लिए कचौड़ी बनाई थी मैंने तो वो खा ली थी, और बस हो गया अब। तो पहला दिन बहुत अच्छा रहा नवरात्र का, और छोटा सा ब्लॉग है आपके साथ शेयर करूंगी, होप कि आपको ज़रूर पसंद आए। तो चलिए पसंद आए तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर। शिवू बाय करो सबको, बाय बाय। तो शिवू सो के उठी इसलिए अजीब सी लग रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।